दोस्तों के बीच पार्टी में चली गोली, पूर्व सरपंच की हत्या, पुलिस कर रही पूरे मामले की गहराई से जांच, अज्ञात व्यक्तियों पर की गई एफआईआर। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दोस्तों के बीच चल रही पार्टी में अचानक गोली चलने का मामला सामने आया है और इस घटना में पूर्व सरपंच की गोली लगने से मौत होने के बाद सनसनी फैल गई। घटना ओरछा रोड थाना क्षेत्र के हमा गांव के समीप, यहां पे एक फार्म हाउस की बताई जा रही है, जहां पर रविवार की रात दोस्तों में बीच पार्टी चल रही थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना अधिक बढ़ा कि लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी गई और गोली ग्राम पठापुर के पूर्व सरपंच कैलाश यादव की कमर के नीचे के हिस्से में जा लगी, जिसके कारण स्थिति गंभीर होने के कारण उसे पहले मिशन हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर दोस्तों ने घायल के परिवार वालों को फोन कर दिया और यहां पे उसे गंभीर हालत में छोड़कर चले गए। उधर रात करीब 12 बजे जब परिवार वाले पहुंचे तो वहां से जिला अस्पताल घायल को लाया गया, जहां पर इलाज चल रहा था और यहां पे डॉक्टर ने स्थिति गंभीर होने की वजह से कैलाश यादव को झांसी के लिए रेफर कर दिया। उधर झांसी ले जाने के वक्त यहां पे रास्ते में कैलाश यादव ने दम तोड़ दिया और यहां पे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पूरे मामले में यहां पर 3 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान छतरपुर के CSP मीडिया के कैमरे पर क्या कहते हैं, जरा यह सुन लीजिए। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि छतरपुर के एक युवक जिसके पसली के नीचे गोली लगी है, वो कल रात को झांसी रेफर हुआ था और जहां झांसी में उसका आज सुबह निधन हो गया। तो SP सूचना पे वापस बॉडी यहां लाके 0 पे मर कायम करके और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सर अभी स्पष्ट हो पाया है सर मौत का कारण या पुलिस विवेचना में लगी है और शीघ्र जानकारी दी। उधर इस पूरी घटना को लेकर पूर्व सरपंच कैलाश यादव के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें फोन आया और फोन पर बताया गया कि उनके बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। आइए सुनवाते हैं क्या कहा घायल के परिजनों ने। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप यादव। कहाँ के रहने वाले? छतरपुर। उनका क्या नाम है जो खत्म हो गए हैं? कैलाश यादव। कितनी उम्र थी उनकी? 46 साल। किस तरह से ये घटना हुई है, आपको कैसी जानकारी लगी? हमारे तो यहाँ फोन आया है कि आज हॉस्पिटल आ जाओ, भैया गिर गए। हम हॉस्पिटल पहुँच गए मिशन। लगभग कितने बजे की घटना है जब आप? घटना होगी लगभग 9 बजे की, हमें 10 बजे के बाद पता चला। आप लोग मिशन पहुंचे? मिशन पहुंचे। वहाँ जैसी स्थिति देखी इनकी, एक्स रे वगैरह कराओ, हमने उनसे सवाल करो कंपाउंडर डॉक्टर से, हमने की सर कुछ उपाय हुए तो ठीक है, नहीं था आप रेफर कर दो तो हम ले जाए। तो बोले हम बता रहे 5-10 मिनट करके हमने आधे घंटे लगा लो लगभग। फिर उसके बाद बोले कि हाँ ठीक है ले जा सकते हैं आप। तो फिर हम झांसी ले गए। इनको गोली लगी है कि गिरी है, क्या हुआ है? गोली गोली लगी है। कितनी गोली लगी? अब वैसी हमारी समझ में नहीं आई, हम क्या समझे उसके, ये घाव दिखाना हमें तो नहीं, हाथ में गली, हाथ के बाद गली। घटना कहाँ पर? घटना का कुछ पता है? घटना बता ही नहीं पाए, घटना कहाँ हुई फोन लाइन पर बताई बस। किसके द्वारा गोली लगना हम नहीं बता सकते, ना कुछ बता पाए। कुछ जानकारी लगी हो? अभी कोई जानकारी नहीं लगी है सर, हम दो में बिजी रह जाए तो कुछ क्या बता दें। कोई रंजस नहीं है भाई। झांसी में क्या हुआ? झांसी में हमने एडमिट किया तो रात में बोले भी जाँचे आँचे हो जाने दो, सब जाँचे होती रही रात के, बढ़िया नॉर्मल रहे। सुबह सुबह बात भी करी एक भैया जिस आदमी, इससे हमने भेजो, इसे बात करी, हमसे डरते थोड़ी भी, इनसे बात करी कि भैया कहाँ है, इनने बता दो कि बाहर खड़े, बताओ क्या करने, कछु नहीं बस उतनी में आओ, उन्हें अटैक टाइप जो भी आओ खत्म हो। तो सुना आपने, यहाँ पे पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यहाँ पे अज्ञात व्यक्तियों पर FIR दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस घटना को अंजाम देने वाले युवक कब तक पुलिस की हिरासत में आ पाते हैं। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट।